उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिनदहाड़े युवा कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात चकेरी थाना क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश इलाके की है। यहां का आरोपी रवि यादव पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। वारदात के बाद से वो फरार है। कहा यह जा रहा है कि आरोपी ने लाइसेंसी राइफल से युवक की गोली मारी। पुलिस को जानकारी जो शुरुआत में मिली उसके मुताबिक रवि यादव के पिता यशवंत यादव उन्नाव के हंसगंज थाने में चालक पद पर तैनात हैं। रवि यादव इनके पिताजी जो है उन्नाव में एक थाने में ड्राइवर हैं। इन्होंने अपने बगल के प्लॉट में एक प्रशांत यादव के पिताजी को एक टीन सेट लगाने के लिए ठेका 80,000 में दिया था और उसका 50,000 रुपये उन्होंने उसको एडवांस दे दिया था। लेकिन जो दूसरा पक्ष था प्रशांत यादव का, उनके पिताजी वगैरह उस काम को नहीं कर रहे थे। आज उसी बात को लेकर प्रशांत यादव के पिताजी रवि यादव के घर पर आए हुए थे। उसी में हॉट टॉक हुई तो जो प्रशांत यादव के पिताजी हैं उन्होंने अपने 10-15 लोगों को बुला लिया फ़ोन करके। इस पे रवि यादव के परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट हुई। इसी में रवि यादव ने अपने घर से जो राइफल थी उससे निकाल के फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति सोए को गोली लग गई है जिसकी मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम यह है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसे गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।